कहाँ है तू मेरे दिल में है ना, ओ तेरा हूँ मैं तुझे याद है। यार ऐसी गिटार मैं बजाना चाहता हूँ, मतलब ये सपना होता था कि ऐसी गिटार बजानी है। कैसा खुमार है हॉबी रखो मगर इसको प्रोफेशन मत बनाओ। खोई खोई जाए दिल, रोई जाए रोई जाए रोई जाए। न्यूज़ इन मिरर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि न्यूज़ इन मिरर की एक कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी कलाकार हैं, उभरते हुए सितारे हैं, उनको आपके सामने लाया जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखाया जाए कि हमारे जम्मू में कितना टैलेंट जो है वो उभरा हुआ है। वहीं पर अगर हम बात करें तो पहले भी हमारे जम्मू कश्मीर से काफ़ी कलाकार जो हैं देश विदेशों में जा चुके हैं और वहाँ पर जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन कर चुके हैं। वहीं पर आज हमारे साथ उभरते हुए कलाकार हैं रिदम जी, जिनसे हम बात करेंगे। और रिदम जी भी, इनकी काफ़ी सुरीली आवाज़ है, गिटार बजाते हैं और गिटार भी काफ़ी अच्छा बजाते हैं। और रिदम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इन मिरर में। थैंक यू रिदम जी। मैं जिस तरह से बात करें तो आपने इससे पहले कहीं ट्रेनिंग ली या कहीं अभ्यास किया, या फिर आपके अंदर पहले से ही कुछ इस तरह से टैलेंट था कि आप इस आवाज़ में, जादुई आवाज़ में गा सकते हैं? वो मैं जब पैदा हुआ था ना जी, मतलब मेरे फादर भी इस चीज़ में काफ़ी उनको इंटरेस्ट था, ओके, ऑल दिस म्यूज़िक थिंग, तो वो गिटार बजाते थे। तो मैं जब 12-13 साल का हुआ तो मैंने YouTube पे एक बॉयस एवेन्यू नाम का एक बैंड है जो USA में बेस्ड है, तो मैंने उनको देखा। वो बॉयस एवेन्यू का जो वोकलिस्ट है उनका नाम है अलेहांद्रो मंजानो, तो मैंने देखा कि यार ऐसी भी गिटार बजती है कि मतलब जो गिटार बजाने का स्टाइल इतना, मतलब और वेरिएशन इतनी ज़्यादा, तो मेरे को ये आया कि यार ऐसी गिटार मैं बजाना चाहता हूँ। मतलब ये सपना होता था कि ऐसी गिटार बजानी है। फिर धीरे धीरे करके पापा से सीखी, तो फिर उसके बाद जम्मू में एक कोई है कोई गिटारिस्ट मॉर्लिन ब्राइटसन, ओके, वो वहाँ रेडिसन ब्लू में कई बार आपको दिखेंगे, तो मेरे को भी कई बार मिलते हैं वहाँ पे, तो उनसे मैंने गिटार सीखी। शुरू शुरू में उनसे सीखी, फिर पापा के साथ पापा से भी सीखता रहा, और उसके बाद फिर खुद सीखा, फिर इधर उधर से देख के स्टाइल कॉपी करने अलग अलग लोगों के, और थोड़ा बहुत क्लासिकल सीखा। फिर क्लासिकल को सही तरीके सीखने के लिए मेरे को कोई मिले, सर हैं कोई मेरे, वो सतीश कुमार सत्थू नाम है उनका, ओके, वो कश्मीरी पंडित है एंड ही इज अमेजिंग। मतलब वो ऐसे करते हैं कि जैसे मतलब अपना बच्चा है। तो कितनी उम्र थी आपकी जब आपने ये सीखना शुरू किया, आपको लगा कि मैं सिंगिंग कर सकता हूँ, गिटार जो है वो भी आप गिटार अच्छी तरह से बजाते भी हैं, तो कितनी एज रही होगी आपके? 12-13 साल की उम्र में गिटार की शुरुआत की थी, और सही तरीके अगर क्लासिकल जो है उसकी शुरुआत मैंने की थी 16 या 17 साल की उम्र में, आई वॉज 16 प्लस मेरे को याद है, तो तब शुरुआत की थी। तो क्या आपने कभी इतना कोशिश की कि आप बड़े बड़े शोज़ में जा सकें, रियलिटी शोज़ में जा सकें? क्या हम आपको आने वाले दिनों में इस तरह के शोज़ में देख पाएंगे? मे बी, हाँ मैं तो चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ ये चीज़, मैं तो चाहता हूँ, हाँ। तो आपकी पूरी तरह से कोशिश है कि आप बड़े बड़े जिस तरह से इंडियन आइडल शोज़ हैं, रियलिटी शोज़ हैं, वहाँ पर जा सकें? एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अब जिस तरह से बात करें तो पेरेंट्स का भी एक काफ़ी सपोर्ट रहता है, क्या आपको पूरी तरह से अपने पेरेंट्स से सपोर्ट मिली कि आप अच्छी तरह से सिंगिंग करें? जिस तरह से कहा जाता है कि अक्सर देखते हैं कि अपने पेरेंट जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को कहते हैं कि नहीं आप सिंगिंग की लाइन में मत जाइए, इस तरह से कभी उनके द्वारा आपको रोका गया ना? वो कहते हैं कि इसको ऐसे रखो, हॉबी रखो मगर इसको प्रोफेशन मत बनाओ, और इस चीज़ से मैं भी काफ़ी एग्री करता हूँ कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है कि हाँ इसको अल्टीमेट प्रोफेशन नहीं बनाओ, मगर ऐसे एक साइड हो गया या कोई हॉबी हो गया, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको करने में मज़ा आता है, तो ये चीज़ बिल्कुल मेरे लिए म्यूज़िक, और ये मेरे लिए बिल्कुल ऐसा है।
तो क्या अभी जिस तरह से हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं, तो क्या हम आपसे एक छोटा सा सॉन्ग सुन सकते हैं? और दर्शकों को भी हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को भी अपना एक प्यारा सा सॉन्ग जो है वो सुनाएं। ठीक है जी। तेरे बिना जिंदगी तो है पर जीने से एतराज है, माने हुए हैं तो दिल लेकिन तकदीरें नाराज है। तेरे बिना जिंदगी तो है पर जीने से एतराज है, माने हुए हैं तो दिल लेकिन तकदीरें नाराज है। तेरे बिन ये गम है कुछ सांसें कम है, क्योंकि तुझको पाने से ज्यादा खोई खोई जाए दिल, रोई जाए रोई जाए रोई जाए, वो आंखों के किनारे बैठा रोई जाए। दर्शकों जिस तरह से आपने इनकी सुरीली आवाज़ सुनी, इनके सॉन्ग को सुना, इनके गिटार को सुना, कितनी अच्छी तरीके से गिटार बजाते हैं और सुरीली इनकी आवाज़ है। रिदम जी कितने घंटे तक आप रियाज करते हैं ये सारा? ज़्यादा नहीं, दिन की बात मतलब एक घंटा लगा लो। एक घंटा मतलब और मजे में, मतलब कोई दैट इज नॉट, मतलब किसी का प्रेशर नहीं है कि नहीं कि करना ही करना नहीं, है नहीं, आप अपने अपने मजे से अपने एक घंटा निकालते हैं पूरा दिन में। तो साथ साथ में क्या स्टडी भी चल रही है आपकी? नहीं, मैंने ग्रेजुएशन खत्म कर ली हुई है। अच्छा। तो मैं पापा के साथ काम करता हूं। अच्छा, अब आगे आने वाले दिनों में क्या करना चाहेंगे आप? आपका क्या एम है? क्या यही सिंगिंग की लाइन में जाना चाहेंगे या फिर कोई और? नहीं, सिंगिंग दोनों है कि मतलब मेरे पापा ज्वेलर हैं। ओके। तो उनके साथ भी और यहाँ पे भी, मतलब दोनों चीजें। ओके। मेरे को, मैं ये चाहता हूँ। तो क्या अभी रिलेटिव्स की बात करें, रिलेटिव्स भी आपको बोलते होंगे, आपका सॉन्ग सुनते होंगे जब कोई बर्थडे पार्टी होती है या कोई, तो आप तो जरूर बोलते होंगे कि नहीं रिदम जी से हमने सॉन्ग सुनना है, इनका गिटार सुनना है, क्या भी इस तरह से हुआ आपके साथ? हाँ, कई बार बोलते हैं, बोलते हैं, सारे बोलते हैं। तो हाँ, काफी लोगों को अच्छा भी लगता है, मगर मैं स्टेटमेंट मांगता हूँ लोगों से कि यार तारीफ मत करो, आई जस्ट वॉन्ट स्टेटमेंट, क्योंकि मैं झूठी तारीफ नहीं चाहता हूँ अपनी। तो हाँ, कभी कभी करता हूँ, कभी क्या, हाँ 60-70%। हाँ अच्छा, ठीक ठीक, उनकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट रहता है। हाँ। तो अच्छा रीनू जी, ये बात करें अगर हम, तो अब बातचीत तो हो गई आपसे सारी की, अब आने वाले दिनों में आप जो है पापा के साथ ही काम करेंगे, अब ये भी आपका एक प्रोफेशन ही बन चुका है। तो अब जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जिनको जिनके पास अगर बात करें, तो आपने भी देखा होगा कि कई स्टूडेंट्स नहीं सीख पाते हैं सॉन्ग ये वगैरह, उनको, उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, अगर डिजायर है ना अंदर, तो मुझे लगता है कि इंसान कुछ भी कर सकता है, इफ देयर इज बर्निंग डिजायर। क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आई है, अभी भी आती हैं, प्रॉब्लम किसके पास नहीं होती है। तो मैंने देखा, अगर कंसिस्टेंसी हो और एक बर्निंग डिजायर हो अगर आपके अंदर, तो आप कर ही लेते हो। मतलब आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता, अगर उसके अंदर चाह है, बर्निंग डिजायर जिसको हम बोलते हैं। तो हाँ, मुझे लगता है कि अगर बर्निंग डिजायर है तो आपका माइंड खुद आपको बताना शुरू कर देता है कि ये कर वो कर, मतलब ऑटो सजेशन जिसको बोलते हैं। अच्छा रिदम जी, फेवरेट सिंगर कौन सा है आपका? मेरा, अगर बात करें, मतलब उनकी डेथ हो गई अब एक्चुअली, He was amazing. मतलब मेरा, मेरे हमेशा वो फेवरेट रहेंगे, केके, वो कृष्ण कुमार कुन्नत। अच्छा, कृष्ण कुमार कुन्नत मतलब मेरे फेवरेट हैं, मतलब he is my favorite. Okay. And मतलब he will always be my favorite. तो ज़्यादा सॉन्ग आपको पुराने सॉन्ग अच्छे लगते हैं या कि नए सॉन्ग में इंटरेस्ट? दोनों सुनता हूँ एक्चुअली, मैं बड़ा ज़्यादा मतलब पुराने गाने सुन के बड़ा हुआ हूँ, मतलब मेरे पापा सुनते रहते थे पूरा दिन। तो होता है कभी कभी कुछ आते भी हैं कि जैसे जो मेरे से बड़े लोग जो होते हैं, मतलब हु आर 20 इयर्स ओल्डर देन मी, तो वो मेरे को कहते हैं कि तूने ये गाना कहाँ सुना हुआ है, तो वो भी थोड़े ऐसे हो जाते हैं। मैंने कहा हाँ, मेरे घर पे पूरा दिन लगे रहते हैं। अच्छा ठीक है, तो दोनों सुन लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया रिदम जी हमसे बात करने के लिए। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप फ्यूचर में अच्छे सॉन्ग गाएं, अच्छे गिटार गाएं, लोगों को और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जा सकें, जिस तरह से रियलिटी शोज़ की भी बात की, इस तरह से अच्छे मुकाम पर पहुंच सकें और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकें। तो दर्शकों, अभी हमने रिदम जी से बात की और
जिस तरह से इन्होंने इनके सॉन्ग जो है वो भी सुने, गिटार भी अच्छी तरह से इन्होंने बजाया। वहीं पर रिदम जी जाते जाते जिस तरह से हमने आपके YouTube चैनल भी काफ़ी देखे हैं, तो अब जो दर्शक हैं अगर YouTube चैनल पे आपको देखना चाहें, आपकी आवाज़ सुनना चाहें, तो आपके YouTube चैनल का क्या नाम है? रिदम सचदेव है, तब लिखते ना वहाँ पे रिदम सचदेव। ओके, अलीज़े अगर लिख दोगे आप, जो ऐ दिल है मुश्किल का एक गाना है अलीज़े, वो क्रेडिट सीन में बजा हुआ, उसका मैंने कवर रिकॉर्ड किया हुआ है, और अगर आप उसको सर्च करोगे मेरे नाम के साथ रिदम सचदेव अलीज़े, तो वो शो कर देगा, रिजल्ट शो कर देगा वो। ठीक है, वैसे आईडी एग्जैक्टली है रिदम सचदेव 7860 @ रिदम सचदेव 7860 ये है। तो दर्शकों जिस तरह से अपनी आईडी भी बताई और यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है वो भी क्रिएट किया गया, उसमें काफ़ी सारी क्लिप्स काफ़ी सारे सॉन्ग्स जो हैं उसमें अपलोड किए हैं, और अगर आप इनकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो जिस तरह से इन्होंने अपनी आईडी बताई यूट्यूब आईडी, आप उसको ओपन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और इनके सॉन्ग को सुन सकते हैं। वहीं पर हम भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक इनको सुने, और जिस तरह से हमने पहले भी आपको बताया कि हमारी यही कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर के कलाकारों को, छुपे हुए टैलेंट को जो है वो सामने लाया जाए और उनकी प्रतिभा को दर्शकों तक पहुँचाया जाए। तो आगे हम फिर किसी नए कलाकार से मुलाकात करेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे, तो इसी तरह से बने रहें मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ इन मिरर।